खैरागढ़ जिले में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक को भी ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। नकली शराब बनाने के मामले में साइबर सेल और गंडई पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपियों को महाराष्ट्र नागपुर से पकड़ा है। आरोपियों में गिरोह का मास्टरमाइंड भी है। पकड़े गए आरोपी शराब बनाने में लगने वाली स्प्रिट, ढक्कन, नकली स्टिकर, होलोग्राम उपलब्ध कराते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने कार, एक बाइक, 4 टैंक, 2 ड्रम, टुल्लू पंप सहित नकदी जब्त की है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरे मामले का खुलासा खैरागढ़ एसपी त्रिलोक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। एसपी ने बताया है कि अब तक नकली शराब मामले में 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गंडई में जो नकली शराब का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, उसमें जो उस समय तक जो जानकारी थी, नरसिंह जो मुख्य आरोपी था, उससे पूछताछ किया गया और पूछताछ के दौरान ये पता चला कि कुटेली ग्राम थाना छुई खदान का रहने वाला व्यक्ति है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, जो कि इस पूरे प्रकरण का मुख्य सरगना ज्ञात हुआ है अभी तक, जो कि जिसने मिलकर पूरे षड्यंत्र को रचा है, जो नकली शराब बनाने के सामग्री के का पूरा लाइनअप करना और उसके बाद किन कोचियों को बेचना है, उसके बारे में भी उसकी संलिप्तता उजागर हुई है और उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है, जिसका नाम जय नारायण गुरुपंच है।